के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। ग्राम्य विकास आयुक्त के रिश्ता में सर्किट हाउस के सभागार में संपन्न हुई ग्राम्य विकास योजनाओं के प्रगति की समीक्षा बैठक। शासकीय योजनाओं को गुणवत्ता पूर्वक संचालित करने के दिए निर्देश। 25,000 के इनामी शातिर अपराधी को पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। एसपी नॉर्थ ने कहा शेष अभियुक्तों की जल्द होगी गिरफ्तारी। अवैध खनन पर एसडीएम सदर ने की कड़ी कार्रवाई। ट्रैक्टर ट्रॉली डंपर और पोकलैंड मशीन किया जब्त। भूगोल विभाग में आयोजित व्याख्यान माला में मुख्य वक्ता प्रोफेसर सुम कोइंकिन ने रखे अपने विचार। कहा भारत से भिन्न नहीं है कोरिया की संस्कृति। शहर को गंदगी अतिक्रमण और ट्रैफिक से मुक्त करने के लिए मुख्य अभियंता ने उठाया जिम्मा। पटरी व्यवसायियों और दुकानदारों को नोटिस भेजने की शुरू की प्रक्रिया। एबीवीपी ने आत्मरक्षा के प्रति छात्राओं को किया जागरूक। दिया ताइक्वांडो का प्रशिक्षण। रूपांतर नाट्य मंच के 85 वर्षगांठ पर संवाद भवन में आयोजित हुई कार्यशाला। अतिथियों ने प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। किया संस्था के कार्यों की सराहना। पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ पर्व पर सुहागिन महिलाओं ने रखा निर्जला व्रत। किया पति के दीर्घायु होने की कामना। 12वीं अखिल भारतीय पुरुष और महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर पुरुष की टीम। महिला वर्ग में दक्षिण मध्य रेलवे पहुंची फाइनल में। और जिला क्रिकेट लीग में एसकेपी बस्ती ने सरदार एकेडमी को 47 रनों से हराया।